अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अनलिमिटेड जो है वो जीमेल अकाउंट जो है बना सकते हैं, यानी कि आप जीमेल अकाउंट को मोबाइल नंबर के साथ किस तरह बना सकते हैं और बिना मोबाइल नंबर विदाउट मोबाइल नंबर के आप जीमेल अकाउंट को किस तरह जो है वो उसको बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपने अपना जीमेल जो है उसको आपने अपने मोबाइल में से ओपन कर लेना। जीमेल के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपना जीमेल का जो है साइन है वहाँ इस पे राइट साइड में इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी जो जीमेल लॉगिन है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके सबके नीचे जो है यहाँ पर आपको ऐड एंड अदर अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। आपने इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने हमने न्यू अकाउंट जो है वो यहाँ पर जीमेल अकाउंट जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर नीचे आपको क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर फॉर माई पर्सनल यूज़ इसके ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पर आपने जो है फर्स्ट नेम जिस नाम से आप जो है जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं वो आपने फर्स्ट नेम यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद नीचे आपने अपना जो नाम का जो सरनेम है यानी कि जो आप अपने नाम के लास्ट में जो कोई आपका सरनेम है वो आपने यहाँ पर नीचे इंटर कर लेना। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर फर्स्ट नेम है और नीचे सरनेम जो है उसको इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको यहाँ पर इंटर कर लेना। यहाँ पर आपने ऊपर डेट ऑफ बर्थ जो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको जेंडर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप मेल हैं फीमेल हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर नीचे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने शुरू में जो नाम जो इंटर किया होता है उस नाम के मिलता जुलता जो वो जीमेल है वो गूगल आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि आप इनमें से दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप जो है खुद से वो उसको जीमेल को कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं खुद से क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्रिएट जीमेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आपको अपना खुद से जो जीमेल जो है वो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जीमेल जो है उसको यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि एक जीमेल जो है मैंने खुद से वो क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो गूगल में अवेलेबल है कि नहीं, और ये गूगल में हमारे में जो है वो ये जो जो हमने न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट किया वो उसमें अवेलेबल है। यहाँ पर आपने जो है वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो यहाँ पर आपने इंटर करना है। जो भी आप अपने जीमेल का पासवर्ड रखना चाहते हैं आपने सिंपली वो पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना। तो मैं एक पासवर्ड जो है यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने जीमेल का पासवर्ड जो है वो यहाँ पर इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करना या स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। राइट साइड में यस आई एम इन, अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आगे जाकर आप मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको शो होगा और आप मोबाइल नंबर उसमें जीमेल में इंटर कर सकते हैं। तो अगर आप जो है बिना विदाउट मोबाइल नंबर के आप जीमेल अकाउंट जो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको स्किप का ऑप्शन शो होगा। आपने सिंपली स्किप के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारा जो जीमेल है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कुछ गूगल का टर्म एंड कंडीशन है, आपने यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जीमेल जो है हमारे मोबाइल में यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और जीमेल हमारा जो बन के रेडी हो गया।
यहाँ पर मैं आपको जो नया जीमेल जो हमने बनाया वो आपको मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी जीमेल मोबाइल में लॉगिन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। सबसे लास्ट में जो जीमेल है वो हमने अभी जो है विदाउट मोबाइल नंबर के यहाँ पर क्रिएट किया है, वो आपके सामने नीचे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों इस तरह आप मोबाइल नंबर इंटर करके और विदाउट मोबाइल नंबर के आप अनलिमिटेड जो है जीमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।